यूथ और टेलीविजन पर बहुत से शोज आए और गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टर कर्स प्रोडक्शन हाउस यानी राजन शाही के प्रोडक्शन हाउस के उन 6 शोज के नाम बताएंगे जिनको लो टीआरपी की वजह से मिला फ्लॉप शोज का खिताब। तो कौन से हैं वो 6 शोज जो हुए हैं इस लिस्ट में शामिल, आइए वीडियो को देखते हैं। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में पहले शो का नाम है इतनी सी खुशी। ये शो सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला शो था। इस शो को 29 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया, जिसमें हमें स्मृति कालरा, अनु सचदेवा और हीना परमार जैसी पॉपुलर स्टारकास्ट भी इस शो को अच्छी टीआरपी ना दिला सकी। टीआरपी का ना मिलना इस शो के ऑफर होने की वजह बना। सरसल खराब टीआरपी की वजह से ये शो महज टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 3 महीने ही राज कर सका और फिर 2 जनवरी 2015 को ऑफेयर कर दिया गया। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में दूसरे शो का नाम है बावले उतावले। इस शो को 18 फरवरी 2019 को सब टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें शिवानी बदोनी, पारस अरोड़ा, वैभव सिंह और अलका मोघा जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 5 महीने ही राज कर सका और फिर उसके बाद 26 अगस्त 2019 को ऑफ एयर कर दिया गया। दैट्स व्हाई ये शो हमारे फ्लॉप शोज की लिस्ट में ऐड है। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में तीसरे शो का नाम है जमुना पार। इस शो को 27 फरवरी 2012 को इमेजिन टीवी पर लॉन्च किया गया। इसमें हमें अंकुर वर्मा और विधि पारिक जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए, बट ये शो भी टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल ना दिखा सका। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 2 महीने तक राज करने के बाद 12 अप्रैल 2012 को सिर्फ 34 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में चौथे शो का नाम है हवन। इस शो को 26 सितंबर 2011 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया। इस शो में हमें नरेंद्र जहा, श्रीनु पारिक, कुणाल वर्मा और शुभांगी आत्रेय जैसे पॉपुलर स्टारकास्ट होने के बावजूद इस शो को टीआरपी में वो मुकाम ना मिल सका। मुसलसल गिर रही टीआरपी की वजह से ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 6 महीने ही राज कर सका और फिर उसके बाद 30 मार्च 2012 को पूरे 135 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में पांचवें शो का नाम है तेरे शहर में। इस शो को 2 मार्च 2015 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें हिबा नवाब, रफी मलिक और ध्रुव भंडारी जैसी पॉपुलर स्टारकास्ट होने के बावजूद इस शो को अच्छी टीआरपी ना मिल सकी। ये शो महज टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 8 महीने ही राज कर सका और फिर उसके बाद 14 नवंबर 2015 को पूरे 222 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में छठे और आखिरी शो का नाम है मन की आवाज प्रतिज्ञा 2। इस शो को 15 मार्च 2021 को स्टार भारत पर लॉन्च किया गया। इस शो में हमें पूजा गौर और अरान बहेल की केमिस्ट्री देखने को मिली। इनकी ये केमिस्ट्री टीआरपी में वो मुकाम ना दिला सकी। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 5 महीने तक राज करने के बाद 25 अगस्त 2021 को पूरे 118 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में कौन सा शो है आपका फेवरेट? अपनी ओपिनियंस करें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।